आज की केस स्टडी होंडा मोटर की फाउंडर सोइचिरो होंडा की, जिन्होंने अपनी सोच, मेहनत और लगन से कंपनी खड़ी करी जो कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में रूल करती है। ये 8th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी आज बहुत पैसा कमा रही है, पर इसकी शुरुआत गैरेज से हुई थी। 17 नवंबर 1906 में जापान के छोटे से गांव सिजुका में सोइचिरो होंडा का बर्थ हुआ। उनके पापा एक साइकिल रिपेयर करके उसे बेचने का काम करते थे। सोइचिरो भी उस काम में पापा का हाथ बटाते थे। 1922 में पढ़ाई छोड़कर उन्होंने एक न्यूज़पेपर में आर्ट शोकई नाम की कार कंपनी में मैकेनिक की जॉब का ऑफर देख के टोक्यो चले गए। पर उनकी एज देख के कंपनी में साफ सफाई का वर्क दिया, पर ऑनर से उन्होंने मैकेनिक का वर्क सीखने की बात करी और वो एग्री हो गए। होंडा अपनी लगन से जल्दी काम सीख गए और अच्छे मैकेनिक बने। 23rd नवंबर 1924 को इस कंपनी की कार ने जापान चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और इनकी कार फर्स्ट आई। इससे वो टोक्यो की फेवरेट कार बन गई। उनकी एक ब्रांच को संभालने की जिम्मेदारी होंडा को दी गई। 1928 में होंडा ने शोकई छोड़ के अपना खुद का बिजनेस शुरू करा। एज अ मैकेनिक काम करके बड़ी कंपनी के लिए सस्ते और अच्छे पिस्टन रिंग बनाए और अपने पैसे लगा के टोकिसी की नाम की कंपनी बना के एक्सपेरिमेंट करा। पिस्टन बेचने के लिए उनको टोयोटा से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन तभी एक रेस में होंडा का एक्सीडेंट हो गया और 3 महीने हॉस्पिटलाइज हो गए और उनकी पिस्टन की क्वालिटी पास नहीं हो सकी। साथ ही साथ टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट भी खो दिया। तो पिस्टन की क्वालिटी अच्छी करने के लिए बहुत सारे कंपनी ओनर से मिले। 1944 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री जल गई। होंडा इससे टूट गए थे, पर उन्हें हिम्मत नहीं हारी और हमले के बाद कंपनी के जो लेफ्ट ओवर्स थे उन्हें 4,50,000 येन में बेच दिए। 1946 में उसका यूज करके होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। जापान की पूरी इकोनॉमी गिर गई थी, जिसे देख के होंडा ने छोटा इंजन बना के उसे साइकिल से जोड़ दिया और लोगों को ये बड़ा पसंद आया एंड उनकी सक्सेस वहां से शुरू हुई। इस बाइक की प्राइस 1500 रुपीज थी। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा मोटर कंपनी रख दिया और 2 स्ट्रोक इंजन की बाइक निकाली। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये कंपनी 1961 में हर मंथ 1 लाख मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन करने लगी। 1968 में कंपनी का प्रोडक्शन 10 लाख हो गया। जापान की इकोनॉमी अच्छी होने के बाद होंडा ने 4-व्हीलर्स में अपना कदम रखा और पूरी तरह छा गए। इनके सक्सेस का एक राज ये भी है कि सोइचिरो खुद मजदूरों के साथ काम करते थे और सबको अधिकारी के जैसे सम्मान देते थे। 5th अगस्त 1991 में सोइचिरो की डेथ हो गई, बट ही लेफ्ट द लेगेसी फॉर द वर्ल्ड। सो आई होप यू गाइस लाइक द केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फाइबर नाउ।